जय हिंद दोस्तों, मैं कार्तिक आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस नए वीडियो में। आज इस वीडियो में कोई टिप्पणी नहीं है, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आज इस वीडियो में आप सभी से बात करने वाला हूं कैसी शख्सियत के बारे में जिसने जनता, नेता और अधिकारियों के सामने अपने मुद्दे, अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखी। जब भी उनने कैमरा उठाया तो कुछ ना कुछ जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। आज मैं बात करने वाला हूं उल्लू टीवी के एडिटर इन चीफ राजीव तलवार जी के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी को मेरी बातें से समझ में आ जाएं, राजीव तलवार जी से आप जुड़ें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के ज़माने में जहां पर लोग अन्याय के खिलाफ बोलने से कतराते हैं, किसी गलत चीज़ को उजागर करने से कतराते हैं, जहाँ पर मैं बात करूँ लोगों के बीच थोड़ा डर रहता है कि हम अगर किसी चीज़ के बारे में बोलेंगे, वो गलत चीज़ है, उसको उजागर करेंगे तो हो सकता है कि हमारे खिलाफ़ कुछ कार्रवाई हो, हमारे खिलाफ़ कुछ गलत चीज़ें हों। ऐसे में आज के ज़माने में राजीव तलवार एक ऐसा नाम है, एक ऐसी शख्सियत है जिसने जनता, नेता, अधिकारियों के सामने अपने मुद्दे, अपनी बातें बड़ी बेबाकी से रखी। अधिकारी चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इनके सवाल सुनकर हर अधिकारी का मुंह लटक जाता है, हर अधिकारी की बोलती बंद हो जाती है। पिछले कई सालों में राजीव तलवार जी के कई वीडियोस वायरल हुए, जनता ने उनके वीडियोस को पसंद किया और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज अगर युवा खासकर अगर जागरूक हैं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान राजीव तलवार जी का है। क्योंकि आज अगर आप देखेंगे पहले कुछ सालों के मुकाबले आज जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है, जनता अपने बात बिल्कुल खुल के रखती है। पहले मीडिया कर्मी अगर कोई जाता था बड़े चैनल का तो जनता से कोई सवाल पूछता था तो कोई भी जो आम नागरिक है वो कतराता था किसी भी बात को कहने पे। लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज सब अपनी बात खुलकर रखते हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही होना चाहिए, लोकतंत्र में सब अपनी बात रख सकते हैं और सभी को अधिकार है अपनी बात रखने का, सवाल पूछने का। ऐसे में राजीव तलवार जी की जो तरीका है पूछने का मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। और अगर मैं बताऊं कि मेरा संपर्क राजीव जी से कैसा हुआ, तो मैंने संपर्क नहीं किया था, उन्होंने आगे से संपर्क किया था। ये बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। 2016 से मैंने देश के लिए काम करना चालू किया, 2016 से मैंने देश जो फेसबुक है उसके सहायता से मैंने डिबेट्स करना चालू किए, अपनी बात रखना चालू करी जनता के सामने। और मेरा पहला मुद्दा जनगण मन के ऊपर मुद्दा था जो कि फेसबुक पर अभी होगा, उसके बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं आगे बताता हूँ। तो 2017 की बात है, एक शख्स को न्याय चाहिए था, तो मैंने उस शख्स की जो परेशानी सुनी और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने उनका थोड़ा सा समर्थन किया और थोड़े फैक्ट्स रखे। तो उसी को देख कर राजीव जी ने वो वीडियो देखा, कुछ समर्थकों ने उन तक पहुँचाया वीडियो और उन्होंने देखा और उनका फ़ोन आया शाम को 7 बजे की बात है, मुझे आज भी याद है, मैं एक मंदिर में था तो वहीं पर उनका फ़ोन आया और उन्होंने मुझे मतलब बधाई दी और प्रशंसा की मेरी और उन्होंने हालचाल पूछा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुझे मालूम नहीं था जबकि राजीव तलवार जी कौन है, उल्लू टीवी क्या है, कौन सा चैनल है। बाद में मुझे मालूम पड़ा जब उन्होंने मुझे बताया कि आप उल्लू टीवी एक बार देखना, तब मैंने देखा। और जब मुझे मालूम पड़ा कि एक बहुत ही अच्छे काम की शुरुआत राजीव जी ने करी है और हमें कहीं ना कहीं उनका समर्थन करना चाहिए, तो जब से लेकर आज तक हम लोग जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के ज़रिए और जब भी बात आती है देश की मुद्दों की तो हम लोग बात करते हैं और उसको मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते, चाहे मैं बात करूँ राजीव तलवार जी की या किसी भी एक आम नागरिक की, अगर हम अकेले बात करेंगे और अकेले ही सुनेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी आम जनता को ये बात उठाना चाहिए। आप सभी देखिए, राजीव जी ने साबित कर दिया है, उन्होंने साबित करके दिखाया है कि पत्रकार बनने के लिए आपको किसी बड़े मीडिया हाउस से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी एक अच्छे स्टूडियो की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही एक सराहनीय काम करा है देश की आवाज़ को बुलंद कर और युवाओं को जागरूक कर। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी बातें रखें, अपनी बातों को जनता तक पहुँचाएं। चाहे मैं बात करूँ, आप अपना वीडियो शूट करें, अगर आप खुद अगर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास
तो आप मुझे अपना वीडियो दे सकते हैं, राजीव जी को अपना वीडियो दे सकते हैं ईमेल्स के ज़रिए। हम आपका मुद्दा उठाएंगे, हम आपके मुद्दे पर बात करेंगे। तो फ़िलहाल के वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि हमेशा देश के लिए काम करना सीखा है हमने, हम देश के लिए काम करते हैं और देश के लिए बोलते हैं, हम किसी से डरते नहीं हैं। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अगर आप मेरा वीडियो ये इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरे चैनल कार्तिक दुबे लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और राजीव तलवार जी की उल्लू टीवी को ज़रूर देखिएगा एक बार जाकर। मेरा ये निवेदन है खासकर आप सभी से। फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, इंसानियत जिंदाबाद।